एक बार फिर से इकोनॉमी टुडे में, जहां पे आज हमारा फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को लेकर के। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की अगर बात की जाए तो सरकार का लगातार फोकस इस बात पर रहा है कि किस तरह से लगभग जो रोड, हाईवे, पोर्ट्स और रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार को फंडिंग यानी पैसों जुटाने की भी जरूरत पड़ती है। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, ये आगे आए हैं पैसे निवेश करने के लिए और पैसा लगाने के लिए। लेकिन लगभग $400 बिलियन का जो निवेश होना है उसको किस तरह से फंड करेगी सरकार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में, आज का फोकस उसी बात पर रहने वाला है। और मेरे साथ इस समय पर प्रियंका भी मौजूद हैं। प्रियंका, किस तरह से फोकस रहेगा? Yes, Arun, that's right. And because it's an interactive program, we always look forward for queries from you. If you want to know anything about infrastructure funding, how the PPP model works, anything that you have for us, do email us. Our email address is economytoday.ddnews@gmail.com. You can also join us on Twitter. Use the hashtag economytoday. Log on to DD News Live and ask your question. Joining us a very special guest today, Dr. Sachin Chaturvedi, who's the DG of RIS. He'll be answering those queries for you. We'll also get more of an explanation from him, what infrastructure, what are the needs that we have and what it really means. But let's begin our segment, Economy Today. और आपने कई बार एक शब्द को तमाम अखबारों में, मीडिया चैनल्स पर सुना होगा, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। ये क्या होता है आखिरकार? कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जो आपकी सहूलियत मुहैया करे, आपको सहूलियत दे, आपको इसे कंफर्ट प्रोवाइड करे, आपके आसपास के एरिया में कंफर्ट प्रोवाइड करे, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है, एक तरह स्मार्ट सिटी का निर्माण कर रही है, रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, रेलवेज के ट्रैक बिछाना, ये सब का सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही आता है, यानी कि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर। सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार किस तरह से फोकस कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करने की दिशा के अंदर, ताकि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिल सके? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गांव से लेकर शहरों तक हर क्षेत्र, चाहे वो सड़क और राजमार्ग हो, बंदरगाह हो या फिर रेलवे, सरकार का फोकस देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार को अगले 3 सालों में देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में $375 बिलियन तक का निवेश करने का लक्ष्य है, जिनमें से लगभग $75 बिलियन को सड़क, रेल और पोर्ट्स के बुनियादी ढांचे में निवेश का लक्ष्य है। साथ ही अगले 5 सालों में देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $450 बिलियन के निवेश की जरूरत है। बजट 2016-17 में भी बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 2,21,246 करोड़ के प्रावधान की बात कही गई थी। इसका मतलब सरकार को निवेश आकर्षित करने की दिशा में कई और विकल्प तलाशने की जरूरत होगी। देश में सड़क और हाईवे को विकसित करने की दिशा में सरकार का फोकस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर भी है। 2016 में सरकार 100 हाईवे प्रोजेक्ट्स को PPP के तहत विकसित करने को मंजूरी दे सकती है। सरकार ने स्मार्ट सिटी की शुरुआत भी कर दी है, जिसके लिए 2019 तक केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ की वित्तीय सहायता भी देगी। और जाहिर तौर पर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए सभी तरह के विकल्प भी तलाश कर रही है। सरकार ने भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड की तैयारी कर ली है, जिसकी शुरुआती कॉर्पस 40,000 करोड़ रखा गया है। इस फंड का मकसद बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग करना होगा। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार फंडिंग जुटाने के लिए हर तरह के विकल्पों पर काम कर रही है, ताकि देश की आर्थिक विकास दर को तेज गति प्रदान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस है और काफ़ी बड़ा निवेश इस क्षेत्र में आने के लिए तैयार है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे के अंदर। हमने रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करी कि अगले कुछ सालों के अंदर सरकार किस तरह से फोकस कर रही है, और एक आम भाषा में समझने की कोशिश करें हमारे व्यूअर्स, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से, फंडिंग किस किस तरह से सरकार कर सकती है? देखिए अरुण जी, 2 या 3 मुख्य मुद्दे हैं। पहला, अगर आप देखें 70 और 80 के दशक में भारत में IDBI और ICICI दो प्रमुख ऐसे वित्तीय संस्थान थे जिनके माध्यम से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का काम किया। पिछले दशकों में उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया और उसके बाद हमारे पास में जो सेविंग्स थे उनके चैनलाइजेशन के लिए कोई सहारा नहीं रहा।
हमने देखा कि इंडियन कंपनीज बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं, तो वो बाहर के मार्केट से पैसा रेज कर रही थी जो कि कई गुना ज़्यादा दाम पर था। अब सरकार ने जो आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया NIIF करके जो संस्था बनाई है, इसमें 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की प्रावधान रखे गए हैं। सरकार ने सबसे अट्रैक्टिव स्कीम को बनाने का जो स्टेप लिया है उसमें ये कहा गया है कि जो भी फंड इससे अपने आप को एफिलिएट करेगा उसमें 49% सरकार की भागीदारी होगी, तो सरकार की तरफ से उसकी गारंटी है, एक ढंग से वो सॉवरन फंड के स्टेटस में आ गया है। इस सारे के चलते हुए जो भी कंपनीज आ रही हैं, और आज ही आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा कि दो नए फंड की घोषणा वित्तीय सचिव ने करी है, उस घोषणा के चलते अब ऐसे 4 फंड हमारे पास में आ गए हैं। 2 तो पोर्ट्स के विकास के लिए हैं, 1 एयरपोर्ट के विकास के लिए है और 1 सड़क के विकास के लिए है, और सभी काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बाहर से पैसा यहाँ लगाना चाहते हैं, उनके लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो गया है। तो तमाम पेंशन फंड्स जो रिटर्न लेना चाहते हैं, तमाम जो दूसरे कंट्रीज़ के फंड्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए भी एक बड़ा मार्केट दिख रहे हैं। और इस मार्केट के चलते NIIF जो हमारा नया व्हीकल बनाया गया 2015 के बजट में, उससे एक बड़ी हमें, चाहे आप उसे भारत का न्यू डेवलपमेंट बैंक कहें या एक नई पहल कहें डेवलपमेंट को फंड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे सचिन जी, जैसे NIIF वगैरह का जो कॉर्पस 40,000 करोड़ रखा गया है, ये भी लोग समझना चाहेंगे कितने ब्याज पर ये लोग, इंटरेस्ट पर ये लोग देंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, और कौन कौन एलिजिबल होगा इससे फाइनेंसिंग लेने के लिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स है जो कि जो कंपनीज या फाइनेंसिंग करना चाहते हैं रोड्स के डेवलपमेंट के लिए, उनको क्या ये सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिलेगा NIIF के जरिए जब वो फाइनेंसिंग कराएंगे, क्या वो सबसे कम ब्याज दरों पर फाइनेंसिंग होगी या और भी मार्केट्स में ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे? मार्केट में और कई तरह के ऑप्शंस उपलब्ध कराए गए हैं। अगर आप 2015 का बजट देखें तो उसमें और 2016 के बजट में 7 ऐसे अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं। उन 7 स्टेप्स के चलते सरकार ने जो मीडियम से बड़ी कंपनीज हैं उनके फंडिंग के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, और उसके साथ ही सरकार के साथ मिलकर के भागीदारी करके जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए 3 तरह के अलग अलग प्रावधान रखे हैं। तो इन 7 स्टेप्स में और 3 प्रावधानों में अगर आप देखें तो एक ऐसा मैट्रिक्स निकल कर के आता है जिस मैट्रिक्स के चलते हुए आप एक बड़ी संख्या का आप समावेश अपने जो विकास के हमारे सामने चुनौतियां हैं उसके लिए हम कर सकते हैं। तो जो कंपनीज़ पोर्ट में इन्वेस्ट कर रही हैं, जो कंपनीज़ एयरपोर्ट के विकास में इन्वेस्ट कर रही हैं, उनकी दर क्या होगी, ये तो कितना क्वांटम वो इससे पैसा लेंगी उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। लेकिन सरकार का प्रयास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उस पर ये पैसा उनको अवेलेबल कराया जाए, इसीलिए सरकार ने 49% की अपनी भागीदारी को बड़ा पुरजोर से सामने रखा है, जिससे कि गारंटी तो रहे इन्वेस्टर्स को लेकिन रिटर्न एडिक्वेट हो, जिससे कि वो उसको अट्रैक्टिव बना सके। All right, so we're going to come back to the discussion first to look at another report. Well, infrastructure, like we've been talking about, is a key aspect for economic growth of the country. Now, Finance Minister, while addressing a seminar on best practices in PPP and long-term infrastructure financing in the national capital, said the greatest challenges of future decades is how to fill the infrastructure deficit and how to fund it. Finance Minister Arun Jaitley said infusing funds into infrastructure will remain a continuous challenge if India has to grow at 7%. Finance Minister was addressing a BRICS seminar on best practices in public-private partnership and long-term infrastructure financing in the national capital. He said the infrastructure gaps must be plugged, which is a challenge. He also said various models of public-private partnership will help in boosting the infrastructure growth. If India is to grow and grow faster than its current rate of 7.5%, or thereabout, infrastructure is really the key. And I think one of the great potentials in building up and continuing to build up the growth story would be
that we continue to fill up these infrastructure gaps. 13,000 public-private partnership projects are at various stages of implementation in various sectors currently. Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das said, India is attracting investments with respect to infrastructure in various sectors like power, and almost all the problems in highway sector are sorted out. He also said government is getting into agreements with various countries and institutions to boost the infrastructure growth. We have already interacted with, we have already MOUs with the idea of that is Abu Dhabi Investment Authority, with Qatar Investment Authority. We have also with an agreement with the MOU with the Rusnano. We have entered into MOU, some kind of an understanding with the government of the UK Treasury, and with US Treasury also. And there are now proposals, 2-3 other proposals to be MOUs to be signed with other countries. So there is a lot of investment appetite, and it is just I think a matter of weeks or maybe 1 or 2 months at best, where we will see that actual activities are taking off. As Finance Minister said, government has the primary responsibility of infrastructure funding and is attempting various models to develop infrastructure in the country. Infrastructure is a key for the economic growth of any country. And for countries like India, plugging the gaps and addressing the infrastructure deficits is the most important task, as Finance Minister Arun Jaitley said. And public-private partnership will play a prominent role in the same. With camera person Sanjay Jaina, this is Venkat Raman reporting for DD News, New Delhi. चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपने जो सवाल हमसे किए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को लेकर के हैं, उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए इकॉनमी टुडे के साथ। मूड ऑफ द नेशन इज ऑलवेज इन टैंडम विद सेंसेक्स। आई एम केतन मारवाड़ी एंड हैव बीन एसोसिएटेड विद बीएसई सिंस 1990। कम फील द फाइनेंशियल पल्स ऑफ द नेशन। S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. मैं हूँ सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. Mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Devin Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Welcome back once again to Business Morning. You're watching Economy Today. Let's take in those questions that are coming in from our viewers now through tweets as well as Gmail. Let's get that first question up, which has come to us through Gmail. Sir, Rajesh Kumar wants to know which of the priority projects come under infrastructure funding and what are the procedures and the structure of PPP? See, as we just heard our Secretary of Finance explaining, three sectors have been identified as priority sectors. They are the road development, the port development, and airport development. Mm. And these three priority areas are important for public-private partnership. And there again, as he mentioned, there are 5 to 6 various investors who have tried to align themselves with the NIIF. Mm. And their alignment with them would mean the government to pitch in with the kind of viability gap that you see, but also bring in the government sovereign guarantee, as I have been saying, for this. So broadly, these three areas are up for PPP priorities list. All right, let's take in our next question also that we're getting through Gmail that we have for you. There's a
Okay, first we'll take this Twitter question from MG Goel. How government proposes to console increase in inflation due to proposed massive investments in infrastructure? Do you think it's going to help inflation? Because, I mean, if you're going to have better roads... No, I think we should not see the connect that way. Probably, in my view, it would actually help in reducing the inflation because of faster movement of goods and services to various areas. And this connectivity probably would help come over the structural rigidities that we see in the market. So that, in my view, probably would help in terms of managing or even reducing inflation. चलिए अब अगला सवाल लेने की कोशिश करते हैं. जीमेल से हमें मिल रहा है जो धीरज ने किया है, एक वो सवाल लेने की भी कोशिश करते हो. कह रहे कि रीट्स पे जो सरकार ने अभी फैसला लिया, जो सेबी ने फैसला लिया है जो रीट्स को लेकर के है, उसका किस तरह से इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से? देखिए, दोनों तीनों मामलों में फाइनेंस मिनिस्टर का अगर ये स्पीच आप पूरा सुने जो ब्रिक्स में उन्होंने दिया है, उसमें ये दोनों एग्जाम्पल उन्होंने साथ में लिए और उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हम किस ढंग से इसको लिंक करेंगे, चाहे वो NIIF हो या IIFCL, दोनों के मामले में हम इनको कनेक्ट करेंगे. जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है जो फिनेंसिंग के मुद्दे पर जुड़ा हुआ है उसको भी इससे जोड़ा जाएगा. तो ये चारों इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स एक कन्वर्जेंस के फ्रेमवर्क में लेकर के आके तब एक्शन लेने का काम सरकार करेगी. ये एकदम एंड द स्पेशल पर्पस व्हीकल, यू नो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन रीट और द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हाउ मच ऑफ अ बूस्ट इज गैट गोइंग टू बी आल्सो थ्रू टू बी गेटिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू दैट होल स्पेशल व्हीकल? सी, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली इज ट्राइंग टू एड्रेस द लार्जर प्रॉब्लम्स वी हैव बीन फेसिंग इन द रियल सेक्टर. Now to channelize that saving or accumulations largely for productive investment is a major challenge. The bill has already been cleared by the parliament and we are trying to address how some of these special purpose vehicles may be leveraged in terms of the strength for delivery on the infrastructure front. Okay. There are of course practical challenges, but definitely the intentions are there and commitment is there in terms of ensuring that we move in that direction. Okay, let's take another Twitter question that we have from Alka and see what she really wants to know about this whole infrastructure funding and the PPP model. Well, what is the role of Niti Institute in managing FDI for infrastructure funding? See, Niti's policy is largely in terms of ensuring that the infrastructure requirements as per the FDI channels, that transition remains smooth. The vehicles have already been created. We have been talking about NIIF, but then there are other vehicles which have also been identified. How FDI can be channelized to some of these sectors without many hassles, and that Niti has already come up with two papers to suggest the policy roadmap. But most of the action now is with Ministry of Finance, where some of the implementation part would be ensured, and this channel probably would be the first one I would say in terms of highlighting the interconnections between some of this. On this program itself, we had detailed discussions in terms of how some of these interconnections are visible and in what way we can implement them. सचिन, एक और बात, हम इन्वेस्टमेंट की और फंडिंग की बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंदर, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो फंसे रह जाते हैं, अटके पड़े रहते हैं. उसमें भी जाहिर सी बात है जो पैसा खर्च होता है वो अलग ही होता है. तो उन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए भी क्या कोई मैकेनिज्म है? क्योंकि जो प्रोजेक्ट अगर फंसा हुआ पड़ा है कहीं पर, अगर किसी भी मोड में, चाहे PPP मोड में हो, BOT मोड में, किसी भी मोड की अगर बात की जाए, वो फंसा हुआ है, तो उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है? क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट अगर अटका पड़ा है तो. नहीं, अब सिचुएशन फ़र्क हुई है. इस मामले में फ़र्क हुई है कि अब टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स आर, दैट्स हाउ दे आर एक्चुअली लिस्टेड. और उस टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन में अब प्रोजेक्ट्स के फंसे रह जाने की संभावनाएं नहीं है. ठीक है, क्योंकि इस ढंग से अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाया गया है, चाहे आप NIIF का देखिए या बाकी जो मैंने बताया कि 7 दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सभी में अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म अब ऐसे हैं जहां प्रोजेक्ट किसी स्टेज पे रुकने की संभावनाएं नहीं हैं. अब पैसे का फ्लो और प्रोजेक्ट का आगे बढ़ना दोनों लिंक्ड हैं, और इसलिए अब कोई पैसा लेके बैठ जाएगा ऐसी संभावनाएं दिखती नहीं हैं.
True. See. Dr. Chaturvedi, when we're looking at, you know, the pitches that have been made on the global stage also, where infrastructure funding is concerned, looking at the needs of the country and the huge potential that really India has when it comes to, you know, partnering with these nations and these companies for developing infrastructure, whether it's cold storages, I mean, apart from railways, roads, etc. And the kind of interest that the global community has really shown towards India, how important is it really to now ensure that it actually reaches a conclusion that it needs to reach when we talk about the building of this infrastructure that the country needs? Priyanka, what is extremely clear now in the national narrative which is coming up for development, all these are part of the larger rubric that Prime Minister is seeing in terms of India's foreign policy and its connect with infrastructure development in our neighborhood, but then also in the larger neighborhood. So two issues are being addressed very clearly. Number one is to see how water or the blue economy can be leveraged. So you would find a lot of efforts by Indian government to see that we use Indian Ocean as a connect for our sea lines, because almost all of oil that we consume in this country is imported. So how that import is strengthened, how infrastructure for shipping, for shipping lines that are required for it, how they are improved, how communication channel within waterways, they are increased. And second, and I think much more important is with our neighbors, how we improve the infrastructure. So with Nepal, with Bangladesh, with Bhutan, what kind of connectivities we improve. And that missing a lot of work on that. Exactly. So that would be a huge contribution in terms of South Asia's own economic resurgence that is being envisaged. चलिए इसी बीच एक आखिरी ईमेल ले लेते हैं इस शो का, जो ये मेल हमें आ रहा है इसको लेने की कोशिश करते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है कि 100% FDI अगर रेलवे सेक्टर और अदर सरकारी सेक्टर्स में आ जाता तो उसका फ़ायदा भारत को किस तरह से होगा और जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसको किस तरह से होगा। देखिए, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जहाँ सरकार की भागीदारी है, जैसा कि रेलवे का उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ 100% FDI के ऊपर कई सारे कैवियट्स लगे हुए हैं और उसमें जैसा रेलवे मिनिस्टर ने पिछले बजट में साफ कहा था कि हमारा उद्देश्य पैसा उतना ज़्यादा नहीं है इस सेक्टर में जितना टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस FDI के माध्यम से कितना किया जा सकता है इसके ऊपर सरकार का जोर है जी। और रेलवे में वही हमारी प्रायोरिटी होगी और वही मिनिस्टर ने कहा भी है, टेक्नोलॉजी पर हमारा एक फोकस रहेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम लगातार बात करते भी रहते हैं। सचिन, शुक्रिया, आप इकोनॉमी टुडे में आए और तमाम जो हमारे दर्शकों ने सवाल किए आपने उसको सुलझाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आज इकोनॉमी टुडे में इतना ही, लेकिन निष्कर्ष यही निकल करके आता है कि सरकार का फोकस पूरी तरह से है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, और शायद यही वजह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना जरूरी है। अगर 8% से ज़्यादा की विकास दर हासिल करनी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग जो माध्यम है उसके लिए सरकार हर तरह के विकल्पों को तलाश रही है। Yes, with that we're going to wrap up this show right here, but news and updates continue on DD News. You keep watching. Namaskar.